लेकिन हम लोगों से ये कहा गया कि आप लोग जाकर उनसे बात करिए, ये गांव जो है तिरनई मौलाराय में नहीं आता है, मुजही में जाता है। अच्छा। जबकि हम लोग जो है शुरू से ही जो है वोटिंग तिरनई के लिए जो है किया करते हैं और तिरनई मौजा में ये यादव का बस्ती रही तो चकाचक हो जाए, हरदम का बस्ती रही तो बन के चकाचक, इतना राजभर का बस्ती बटे केहू ना आवेला बाबू केहू जावे ना। जब अब यादव और हरदम की बात करने लगे तो लोग बोलेंगे क्या बात कर रही है, लेकिन आप तो काम की बात कर रही है। योगी सरकार जैसा की दावा करती है की भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है अपना उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर आकर देखा जाए और लोगों से जाना जाए कि अभी आपके गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कुछ भी नहीं हुआ है। और आपको देखने के लिए और आज इस गांव के लोगों से हम बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, सुपर हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी मौजूद है जिला बलिया के तहसील बेलथर रोड के बसरा बसंतपुर गाँव में, और बसरा बसंतपुर गाँव का ये तिरनई मौजा है और इसमें एक राजभर बस्ती में हम आए हुए हैं। तो आइए यहाँ के गाँव के लोगों से बात करते हैं। गाँव का रास्ता कैसा बना? हाँ जी सरकार प्रणाम। बताओ बहुत रास्ता खराब बा, यहाँ से बसरा ले रुदी ले आदमी मैंने परेशान हो जाला। हमन के तो भाई परेशान बन ली तो कोई बात नहीं थे, ना गाड़ी जाले ना कुछ अड़े, प्रधान यहाँ से दस हाथ बनवा के छोड़ देले बना, बाकी वही गाने बात चार बरिस हो गई। अब बन जा तो बहुत अच्छा बा। और क्या दिक्कत बा? ये दिक्कत बा कचरा का, रोड का बहुत दिक्कत बा बाबू। तोरी रास्ता बा तो घर जा खातिर कहाँ रास्ता बा? उमर और नहीं खे तो का प्रधान से कहले होलू? प्रधान जी सुनता ना, प्रधान जी उनका सुनिए, उनका सुनिए पेट में डाल लियो जाके वही भुला जाइए। कोई प्रधान जी के पास गई है आप? जी हाँ गई है। क्या कहे हैं? कहे कि बन जाएगा, ये होगा, उनका पिताजी रहना तो बन गई, बाकी अबू भइल बारा तब का दिन डेरात बारा कि का करत बारा भगवान जाने। क्या नाम है प्रधान जी का? अब हमें से पूछो, अब रहो जनता ही बात। चले चले सब कर्मी आते हैं गामे जी, सब कर्मी केहू नहीं खे बाबू झकाई वाला सब कर्मी। क्या नाम है? अच्छा शिव कुमार राजभर। क्या हाल चाल है? हाल चाल अच्छी है। यहाँ का जो अपना मत बताइए, विकास का बताइए। विकास का मतलब है कि चक्रोड जो है 20 कड़ी है जी, आगे पूरा मतलब ये कचरा है जी, आ कोई आज तक ले 15 साल 20 साल हो गया। कब का बना हुआ ये रास्ता? ये रास्ता तो जो है कि लमसम आज 4 बरिस पहले लमसम बनल है जी। हाँ 4-5 बरिस पहले का बना है, आ तब से कोई पर हाथ ना लगा हुआ। हाँ 20 बरिस के लमसम भइल बा। 20 बरिस हो गया इस रास्ते को? हाँ अभी तक कोई नहीं इस पर हाथ लगाया। ना ना कोई नहीं। अब जो मैटर रिपेयरिंग का काम, खाली रिपेयरिंग का थोड़ा सा काम हुआ है। मतलब अब तक जो है 20 वर्षों के अंदर जो है कोई काम हुआ नहीं है यहाँ पर जी। और जब भी इसके पहले जो है कैलाश प्रधान थे, जब उनसे बात की गई कि हमारे यहाँ चक्रोड खराब है, रास्ता खराब है, आने जाने की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि आपके जो है आपके बिरादरी के रामाशंकर विद्यार्थी हैं, आप जाके उनसे बात करिए। अच्छा रामाशंकर विद्यार्थी कौन है? सांसद थे। अच्छा बसपा के। अच्छा लेकिन हम लोगों से ये कहा गया कि आप लोग जाकर के उनसे बात करिए, ये गाँव जो है तिरनई मौलाराय में नहीं आता है, मुजही में जाता है। अच्छा। जबकि हम लोग जो है शुरू से ही जो है वोटिंग तिरनई के लिए जो है कियर करते हैं और तिरनई मौजा में ही यह है गांव। तिरनई मतलब ग्राम सभा के अंदर का ही पूरा गांव है, लेकिन कभी भी जो है हम लोगों की उपेक्षा की गई है, कभी भी जो है कोई बात जो है किसी भी समस्या का कोई सही समाधान नहीं किया गया है जी। और चक्रोड जो है अभी जो है कुछ दिन पहले जो है रिपेयरिंग किया गया था, तो रिपेयरिंग ही आधा उधर हुआ है, इधर नहीं हुआ है, और वही पुराने ईंटों को उखाड़ करके और फिर से लगा दिया गया है। मतलब आपके कहने का मतलब जिधर घर नहीं है उधर रिपेयरिंग हो गया, और जिधर आप लोगों का घर है वहाँ उधर रिपेयरिंग नहीं की गई है अभी तक। दूसरी चीज ये नाली देख रहे हैं, नाली जो है बनने के लिए जो है कई बार प्रस्तावित हुआ, लेकिन नाली आज तक बनने की कोई बात हुई नहीं जी। और ये होता है कि नहीं नाली बन जाएगी, लेकिन नाली भी नहीं बनी और न ही चक्रोड बना। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने चक्रोड की है और दूसरी नाली की है। तो प्रधान वगैरह जो चुनाव आता है तो वोट मांगने के लिए आते हैं, तो आप लोग तो बात करते होंगे ना जी? हाँ उनसे समस्या ये रखी जाती है, लेकिन ये होता है कि नहीं हम लोग आप बनवा देंगे, इस बार बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस बार करते करते आज 20 वर्षों का दिन गया है, 20 वर्षों के दिन में कोई काम नहीं हुआ है। प्रधान जी जाने के बाद फिर आते नहीं है? नहीं कौन आता है, किसको जो है पूछता है कोई, बस काम खत्म। अगर जो जाते भी है कहते भी है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। सफाई कर्मी तो रोज आते होंगे? सफाई कर्मी तो जब से पोस्टिंग हुई है तब से हमने देखा ही नहीं कि सफाई कर्मी है कौन यहाँ पर। अच्छा आपके जितना दिन से आप रह रहे हैं इस गांव में तो सफाई कर्मी एक भी दिन नहीं देखे आप? सफाई कर्मी कह तो रहे हैं कि जब से इस गांव में पोस्टिंग हुई होगी तब से आज तक किसी ने नहीं देखा है कि सफाई कर्मी कैसा है और कौन है, कभी भी नहीं आया है वो इधर। अच्छा हाँ बोलेंगे। अच्छा अच्छा जोगी जी से कुछ कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं कि गांव में हर गांव में विकास हो गया, रास्ता बन गया है, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे तो उनसे बोलिए उनको। हाँ माने जैसे कि ये 20 साल हो गई, 20 साल हो गया के बाद में प्रधानी जब वोट आवेला तो कहे लोग कि हमके वोटवा दिया, हाई रोटवा बनवा दे,
ओटवा जीतल के बाद अपन घरे रह लोग यादव के बस्ती रही तो चकाचक हो जाए, हरजन का बस्ती रही तो बन के चकाचक, इत राजभर का बस्ती बाटे केहू ना आवेला बाबू केहू तो जब अब यादव और हरजन की बात करने लगी तो लोग बोलेंगे कि जतिवाद कर रही है, लेकिन आप तो काम की बात कर रही है ना। हाँ, कामे का बात कर थी ऐसा कहीं नहीं थे, गाँव में जाके देखो बाबू ऐसा नहीं थे, बसरा में देखो ऐसा नहीं थे, मुजई में जाके देखो ऐसा नहीं थे, बाकी ये पने दूर कचरा ऐसा कचरा कहीं नहीं थे बाबू। वही ललचन वोट दियाला कि प्रधान के वोट दिया तटे बना दिया बना दिया, वोट लेके घरे बैठ जाइया। अच्छा, जैसा कि चाचा जी ने बताया कि वो लोग बोलते हैं कि ये गांव मुजई में आता है। हाँ, तिरनई में बोलते हैं आता है। अच्छा, लेकिन वोट मांगल के तो आते हैं इसी गाँव। जैसे बताया आप कि मतलब बोलते हैं मुझे कि आप लोग की जरूरत पड़ती है तो ये लोग जो है कहते हैं कि ये गांव हमारे गांव ग्राम सभा में नहीं है, और जब वोट की जरूरत पड़ती है तो ये लोग इसी गांव में आते हैं। जो भी होगा कार्य हम आपका करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, और करवाता कोई कुछ नहीं है, ये है सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, इस राजभर बस्ती में किसी को आवास मिला है? आवास एक आध दो आदमी को बस मिला है, बस एक आध दो आदमी को मिला है, दो तीन को आवास बस मात्र मिला है। बस सफाई कर्मी क्यों नहीं आते आपके? ना ना कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब प्रधान भेजी तब ना क्यों आई, अब तो नहीं क्यों क्यों जानते ना कि सफाई कर्मी वाला प्रधान से पूछते हैं, पूछा जी तो कौन है, ठीक है भेज देंगे तो क्या भेजिए, वो अपने मच्छर का दवाई छिटा ले बाबू, वो कभी ना लौके लो, वो कभी मच्छर का दवाई में लेके ना आवे लो, बुझा ला की ये टोला कुछ में है ये ना हुए। राशन वगैरह तो पूरा मिलते हुए? हाँ, राशन मिला था पूरा। हाँ, आज उन मिले ला तो उन मिले ला कम मिले ला के मतलब परिकाल में अब जेपानी एक किलो कोड़ जला। अब उन्हें जाना था लोग की कोटे ला की कावला राशन हर महीना में मिला था टे ये कहे के कहीं, लेकिन बड़ी बात बाकी ये पूरा में केहू अबे ना करे, खाली प्रधानी वोट खातिर के आई लो। अभी आप इस बस्ती के लोगों से सुने शिकायत कि प्रधान से कितने लोग नाराज हैं यहाँ के, और सरकार तो अपने दावा करती रहती है कि मतलब कि हम बहुत विकास कर रहे हैं गांव में शहरों में, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा है तो आप लोग सुने होंगे इस गांव के लोगों से कि कितना विकास हुआ है। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज, मुकेश चौहान के साथ, धन्यवाद।